Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I will discuss a very important question which is mostly asked in commission level, that what is the difference between proportion and probability. But a simple concept hai, lekin chunke thoda sa barik kisam ka concept hai, to aap se share karenge. Ek zaruri baat aap se share karenge ki jo proportion aur jo probability hoti hai, formula wise, range wise, calculation wise, bilkul inka jo process hai bilkul same hai. लेकिन इसमें जो की डिफरेंस है वही है कि प्रोपोर्शन इज फॉर करंट डेटा, जो डेटा आपके पास मौजूद है, हालिया रीसेंट डेटा है, सर्टेन डेटा है, उसके लिए हम प्रोपोर्शन करते हैं. वाइल प्रोबेबिलिटी इज फॉर रैंडम डेटा, वो डेटा जो रैंडम है, जो अनसीन है, जो अनसर्टेन है, ठीक है, उसके लिए फिर हम किसको करते हैं, प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, प्रोपोर्शन को डिस्कस कर लेते हैं. प्रोपोर्शन को हम डिनोट करते हैं पी से. पी इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय एन. एक्स हमारे पास क्या होता है, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन. ये इसकी डेफिनेशन होती है. ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसकी हम प्रोपोर्शन कैलकुलेट करते हैं. लेट सपोज इन 2020 देयर आर 18 फीमेल एंड 20 मेल्स इन स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट्स. डिपार्टमेंट्स में हमारे पास 18 फीमेल्स आ रहे हैं और 20 जो है वो मेल्स आ रहे हैं. द फीमेल प्रोपोर्शन, फीमेल की प्रोपोर्शन क्या होगी, x डिवाइडेड बाय n. x का मतलब हमारे पास कितनी फीमेल्स आ रही है, फीमेल्स हमारे पास आ रही है 18 और ओवरऑल हमारी पॉपुलेशन कितनी है 38. तो फीमेल की प्रोपोर्शन क्या होगी, 18 बाय 38, जिसको हम 0.47 और 47% भी कह सकते हैं. ठीक है, अब हम आते हैं प्रोबेबिलिटी की तरफ. तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय पॉसिबल केसेस. ठीक है, अब एग्जांपल से क्लियर करेंगे कि इन 2021 आने वाले साल में The probability of female will be what? यानी female की probability क्या होगी? Previous year में हमारे पास जो proportion थी वो 0.47 आ रही थी, अब जो साल आगे आने वाला admission होंगे उसमें कितने male होंगे, कितने female होंगे, उनकी probability अब क्या होगी? चूंकि हमारे पास data नहीं है, हमारे पास जो है कुछ पता नहीं चल रहा, तो यहाँ पे data available नहीं है, तो हम कह सकते हैं जो probability will might be 50% हो सकता है कि 2021 में जो फीमेल की प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, 50% होगी. यहां पे आप प्रोपोर्शन का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते. प्रोपोर्शन किसके लिए होता है, करंट डेटा के लिए होता है, सर्टेन डेटा के लिए होता है, मौजूदा डेटा के लिए होता है, जबकि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो रैंडम डेटा के लिए होता है, फ्यूचर के लिए होता है, वो डेटा जो आपके पास अवेलेबल नहीं होता. तो डियर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है.